हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स गुरु। जॉब्स गुरु में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड नंबर का वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही निकाल चुके हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड यूसेज इस वीडियो का टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और जो पहले दो वीडियो हम निकाल चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो हमने हमारे जो एनालिसिस है उसके अंदर देखा था कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी सीजीएल 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीयर वन के अंदर। तो हो सकता है आने वाली शिफ्टों में भी हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप मात्र 10-15 मिनट में इस पूरे वीडियो को देखकर आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमने कर चुके हैं ये टॉपिक। इन्वेंशन लिस्ट एंड इन्वेंटर्स का टॉपिक भी हम कर चुके हैं। तो अभी हमारा टॉपिक हम जो कर रहे हैं वो लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड यूसेज। उसके बाद में हम समिट्स, ऑथर अवार्ड्स, रिवर ऑफ इंडिया और कंप्यूटर बेसिक्स, इन सब टॉपिक को कवर करने के बाद में हम इतने कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि अभी जो आप स्कोर कर रहे हैं उससे कम से कम 5 से 10 नंबर ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे आप अपने SSC CGL के टीयर वन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले वाले दो वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। हमारे साथ बने रहिए, आज हम इन सारे वीडियोस को निकाल देंगे और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना देंगे ताकि जल्द से जल्द आपको कंटेंट मिल सके। उम्मीद करता हूँ रजनीश और शुभांशु को पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूसेज। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पूरा हमने नोट्स तैयार किए हैं, एक पूरी PDF है। इसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है और उनके यूज़ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और देखते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट में से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से आगे हमारे शिफ्टों में आ सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर किस लिए काम आता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स, मतलब ऊंचाई नापने के काम आता है। ये हवाई जहाज वगैरह में लगा होता है कि कितने एल्टीट्यूड पे आप चल रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है MM मीटर, मेजर इलेक्ट्रिक करंट को नापता है ये। एनीमोमीटर यूज द मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ विंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डायरेक्शन प्रेशर ऑफ विंड को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो ये होता है एनीमोमीटर, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जैसा कि नाम से पता चलता है। बारोग्राफ कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हमारे SSC CGL में। तो उम्मीद करते हैं कि इन आगे आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे भी कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। SSC हमेशा पिछले शिफ्टों से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछने वाली है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ। तो बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंडीशंस को नापने के लिए काम में आता है। बाइनोकुलर्स जो हैं दूरबीन होती हैं, तो बाइनोकुलर्स का तो आप जानते ही होंगे, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्नीफाइड व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दूर की चीज़ों को मैग्नीफाइड जूम करके देखने में बाइनोकुलर्स काम आते हैं। उसके बाद में आता है बोलोमीटर, मेजर्स इंफ्रारेड एंड हीट रेडिएशन। तो ये इंफ्रारेड जो हीट की जो रेडिएशंस होती है, इंफ्रारेड निकलती है उसके अंदर से, उसकी रेडिएशन को नापने में काम आता है बोलोमीटर। कैलिपर्स मेजर डायमीटर्स इन थिन सिलेंडर वायर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स वगैरह स्केल आपने देखे होंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको पता चल गया होगा कैलिपर क्या चीज़ होती है। उसके बाद में आता है कैलोरीमीटर, मेजर्स क्वांटिटी ऑफ हीट। तो हीट की क्वांटिटी मेंटर करने के लिए कैलोरीमीटर आता है, लेकिन हीट की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, हमने आपको वहाँ पर बताया था। तो कार्ब्यूरेटर यूज फॉर चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर्स इन इंटरनल कंबंशन इंजन। तो ये जो है पेट्रोल के इंजन के अंदर लगा होता है कार्ब्यूरेटर, तो ये यूज फॉर चार्जिंग एयर विथ पेट्रोल वेपर्स। कार्डियोग्राम ECG, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। कार्डियोग्राम ECG जो आप कभी हार्ट पेशेंट्स से अगर साथ में गए होंगे कभी हॉस्पिटल में, तो ECG आपने देखा होगा। तो कार्डियोग्राम जो है ट्रेस मूवमेंट्स ऑफ हर्ट्स रिकॉर्डिंग ऑन अ कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ ग्राफ के फॉर्म में जो है वो अपना जो है रिजल्ट देता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि कौन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हार्ट के अंदर जो वॉल्स होते हैं उनको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलता है दिमाग से कि कब बंद होना है कब चालू होना है। अगर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलना उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हार्ट के वॉल
गलत टाइम पे बंद और चालू होने लगते हैं, इससे हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको चेक करने के लिए हम ECG करते हैं, इसको हम कार्डियोग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा कैथोमीटर, डिटरमाइंस हाइट्स एंड लेवल। तो हाइट्स एंड लेवल को डिटरमाइन करने के लिए जाता है क्रोनोमीटर, डिटरमाइंस लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसलेटस सी। तो ये लॉन्गिट्यूड जो है, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हमारे ज्योग्राफी के टर्म्स हैं उसके अंदर काम आता है क्रोनोमीटर। तो ये कार्डियोग्राम एक इंपॉर्टेंट था, इसको आप मार्क कर लीजिए, तो इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। सिनेमेटोग्राफ यूज टू प्रोजेक्टिंग पिक्चर ऑन द स्क्रीन, ये सिनेमा हॉल में लगा होता है जिससे मदद से, जैसे प्रोजेक्टर होता है उसी को बोलते हैं सिनेमेटोग्राफ का, उसी का रूप होता है, यूज फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। कैलोरीमीटर कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ कलर, कैलोरीमीटर है तो कंपेयर्स इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। कम्यूटेटर यूज्ड इन जनरेटर्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, तो जैसे हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई के पोल चेंज करने हो, प्लस को माइनस करना हो और माइनस को प्लस करना हो, तो ये कम्यूटेटर चेंज करने के लिए हमारे काम आता है। उसके बाद आता है सेरिस्कोग्राफ, सेरिस्कोग्राफ हम यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। तो सेरिस्कोग्राफ को प्लांट के यूज़ करने के लिए, ग्रोथ की मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। कायरोमीटर मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, तो बहुत ही लो टेम्परेचर जब होते हैं जब कायरोमीटर, तो कायरोजेनिक इंजीनियरिंग, कायरोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही लो टेम्परेचर वाली जो इंजीनियरिंग होती है उसको हम कायरोजेनिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, बहुत से कॉलेजों में आपको ब्रांच देखने को मिलेगी। साइक्लोट्रॉन यूज़ फॉर एक्सेलेटरिंग चार्ज पार्टिकल्स विद माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डायलेटोमीटर मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो वॉल्यूम में अगर कोई चेंज हो रहा है सब्सटेंस का, उसको हम किससे नाप सकते हैं, डायलेटोमीटर में। डायनेमो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते ही होंगे, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बहुत ही बेसिक है। इलेक्ट्रोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में हमारा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो ये माइक्रोस्कोप तो आप जानते ही हैं कि किस लिए काम आता है, उससे पहले हमारा छूट गया। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस जो है डिटेक्ट कर लेता है। एंडोस्कोप टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो एंडोस्कोपी जब हम करते हैं, मेडिकल टर्म्स हैं ये एंडोस्कोपी, तो इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को एग्जामिन करने के लिए एंडोस्कोप मशीन का यूज़ किया जाता है। फेथोमीटर, फेथोमीटर जो है आपको पता है मेजर डेप्थ ऑफ यूशन ओशियन, जो है समुद्र की गहराई की जो यूनिट होती थी, SI यूनिट हमने आपको बताया था फेथम होती थी, तो फेथोमीटर जो है मेजर डेप्थ ऑफ द ओशियन, तो चीज़ें रिलेटेड होती हैं तो इनको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर फ्लक्स मीटर, तो फ्लक्स मीटर जो है मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स, सीधी सी बात है। गैल्वेनोमीटर जो है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, और जो एमोमीटर होता है वो भी मेजर इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही कम, जो छोटा माइन्यूट करंट होता है उसको रिटेट करने के लिए होता है। ग्रामोफोन जो होता है यूज टू रिप्रोड्यूसिंग रिकॉर्डिंग साउंड। हाइड्रोमीटर होता है मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ से हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोफोन मेजर द साउंड अंडर वाटर, तो सोनार वगैरह जो यूज़ करके हम करते हैं तो साउंड अंडर द वाटर। हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी इन एयर एंड गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामों में लगभग हमने देखने को मिला है, रेलवे CPO वगैरह में। हाइग्रोस्कोप शोज द चेंज इन एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो हाइग्रो से रिलेटेड जो भी है ना वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड होगा, तो आपको ये याद रखनी है। हाइप्सोमीटर डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड, तो ये बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का डिटरमाइन करने के लिए हाइप्सोमीटर हमें काम आता है। एच से जो भी चीज़ चालू हो रही है वो लिक्विड से होगी, और हाइग्रो जो है वो जो है ह्यूमिडिटी से रिलेटेड होगा। उसके बाद में हाइप्रोमीटर यहाँ पर एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के। लैक्टोमीटर एक बहुत ही कॉमन है, ये भी SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, इसी की मदद से दूध वाले लोग जो हैं दूध की इंटेंसिटी वगैरह डेंसिटी नाप कर और हमको दूध बेचते हैं और पैसा देते हैं। तो अगला जो है हमारा वो है मैच मीटर, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू स्पीड ऑफ साउंड, तो मैच मीटर जो है Mach 1-1 स्पीड होता है, एक मैक में जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, तो अगर 2 मैक की स्पीड है तो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है एक प्लेन की हो जाती है, तो Mach 1, Mach 2 हम बोलते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर जो है कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द फील्ड्स, तो मैनोमीटर कंपेयर जो है मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ फील्ड को कंपेयर करता है। उसके बाद में आता है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स,
ठीक है, माइक्रोफोन जो है कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके बाद में आता है माइक्रोस्कोप, जो है आपने पढ़ी लिया पहले से कि यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड व्यूज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। नेफ्यूटोमीटर, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम बचा है, आने वाली शिफ्टों में जो है बहुत जल्दी जो बच्चे देने वाले हैं पेपर उनको जल्द से जल्द फ़ायदा होगा, ये वीडियो जल्द से जल्द रिलीज़ होंगे तो इनको जल्दी जल्दी से आपको पढ़ना होगा और जल्दी से पढ़ने के चक्कर में आपका भी टाइम वेस्ट कम होगा। नेफ्टोमीटर, मेजर द स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। मेजर द स्केटरिंग ऑफ लाइट्स बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड। जो लाइट स्केटर्ड हो जाती है लिक्विड के पार्टिकल्स से, लिक्विड के अंदर स्पेटिकल्स से, उसको नेफ्टोमीटर से नापते हैं हम। ओडोमीटर, ओडोमीटर तो आप जानते हैं कि हमारी गाड़ी में जो हमें किलोमीटर बताता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है तो उसको ओडोमीटर बोलते हैं। जैसे 50,000 किलोमीटर अगर किसी गाड़ी के ऊपर मीटर पे आ रहा है तो वो ओडोमीटर के ऊपर उसकी रीडिंग है 50,000 मीटर। ओम मीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये ओम यूनिट होती है तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नापने के काम आता है ओम मीटर। ओंडोमीटर, मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी नापने के लिए ओंडोमीटर काम आता है, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़ोन वगैरह सब आजकल रेडियो वेव से चलते हैं। ऑप्टोमीटर, यूज फॉर टेस्टिंग द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द आई। तो आँख की कितनी रिफ्लेक्टिव पावर है उसको यूज़ कर मेजर करने के लिए ऑप्टोमीटर काम आता है। ऑटोस्कोप, यूज फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ एयर ड्रम। तो कान के अंदर की एयर ड्रम की जाँच करने के लिए जो हमारा है ऑटोस्कोप काम आता है। तो उससे जो रिलेटेड है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि देखने से संबंधित होता है। तो क्योंकि ऑप्टिक्स जो है थोड़ा सा लेंस वाला जो काम है, ऑप्टिक्स जो है रेज और लाइट वगैरह जो दिखने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर ये आता है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कुछ यूँ होती है, तो सबमरीन जब समुंदर के नीचे होती है तो पेरिस्कोप ऊपर निकला हुआ होता है तो यहीं से देख लेते हैं सैनिक लोग जो हैं कि भाई आगे क्या है समुंदर की सतह पर, कौन कौन सी चीज़ें मंडरा रही है, कौन कौन से जहाज हैं, तो ये पेरिस्कोप होता है। ये रिफ्लेक्टिव लाइट के फिनोमेना के ऊपर काम करता है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेरिस्कोप जो है वो किस फिनोमेना पे काम करता है, तो ये रिफ्लेक्टिव लाइट पे काम करता है। यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट अबाउट सी लेवल यूज इन सबमरीन। फोनोग्राफ, यूज फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड। फोटोमीटर, कंपेयर्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे हम दो लाइट के सोर्स हैं जैसे अगर, तो उनके ऊपर हम उनकी इंटेंसिटी जो है नाप सकते हैं कितनी इंटेंसिटी से वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉलीग्राफ, तो इट साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड चेंज इन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, द रेस्पिरेशन यूज इन लाइट डिटेक्टर। तो इसको हम लाइट डिटेक्टर के थ्रू यूज़ करते हैं। बहुत सी मूवी में सच का सामना वगैरह जो शो आए थे उनके अंदर हमें पॉलीग्राफ देखने को मिलता था। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे जो हार्ट के हार्ट बीट वगैरह और बहुत सारे ब्लड प्रेशर वगैरह में चेंजेस आते हैं, तो उनको डिटेक्ट करके ये मशीन बता देती है कि क्या चीज़ आप झूठ बोल रहे हैं और क्या चीज़ सही बोल रहे हैं। तो यूज जस्ट लाइट डिटेक्टर, ये 100% वेरीफाइड नहीं होता है कि ये सही बताएंगी। बहुत से जो सैनिक वगैरह होते हैं ना तो उनको क्या है इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को भी झूठ बतला सकें। उनको इतना ज़्यादा झूठ बुलवाया जाता है कि उनकी बॉडी में कोई चेंज ही नहीं आता है जब वो झूठ बोलते हैं। तो जो हमारे रा के एजेंट होते हैं और ये सब एजेंट होते हैं सीबीआई वगैरह के, तो इनको ये है ऐसी ट्रेनिंग जाती है पॉलीग्राफ टेस्ट उनको न पकड़ पाया, तो ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। फेरिलियोमीटर, यूज इन मेजरिंग सोलार रेडिएशन। अभी आजकल हम देखने को सुनते हैं कि भैया सूरज में से बहुत भयंकर एक सोलर रेडिएशन निकल रही है, तो उनको नापते हैं हम फेरिलियोमीटर से। पायरोमीटर, तो वेरी हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो उसको हम नापते हैं पायरोमीटर से। क्वाड्रेंट, मेजर एल्टीट्यूड्स एंड एंगल्स इन नेविगेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो हमारी ज्योतिष विद्या है मतलब तारों की विद्या, उसके अंदर हम क्वाड्रेंट को यूज़ करते हैं। रडार, रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग, तो रडार के अंदर जो होता है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा था रडार में कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है, तो रडार में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। एक एंटीना के जरिए रेडियो वेव्स छोड़ी जाती हैं तो वापस टकरा के जब वो हमारे पास आती हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज़ से टकरा के आई है। तो इसका इस्तेमाल जो है एरोप्लेन्स को पकड़ने के लिए किया जाता है कि कौन सा एरोप्लेन कौन सी एयर सीमा में उड़ रहा है। अगर दूसरे देश की सीमा में उड़ रहा हो तो उसको हम रडार की मदद से पकड़ सकते हैं। रेन गेज, तो ये मेजर्स रेनफॉल करता है। आपने सुना होगा कि 3 इंच वर्षा बरसी, 3 इंच 4 इंच बरसात हुई, तो इसको हम रेन गेज से नापते हैं। रिफ्रेक्टोमीटर,
मेजर्स सेलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सेलिनिटी ऑफ सॉल्यूशंस को नापने में काम आता है रिफ्रेक्टोमीटर। तो रिफ्रेक्टोमीटर मेजर्स द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। सेक्सटेंट यूज्ड बाय नेविगेशन टू फाइंड द लेटिट्यूड ऑफ द प्लेस बाय मेजरिंग एलिवेशन अबव द होराइजन ऑफ द सन और अदर अनदर स्टार, आल्सो इज द मेजर हाइट ऑफ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो सेक्सटेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लेटिट्यूड की मदद से, जो आप देखे होंगे बहुत से रोड पे जो है ऐसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी मदद से कुछ लोग नापते रहते हैं, तो वो सेक्सटेंट होता है। तो उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की क्या लेटिट्यूड है, क्या पोजीशंस है। तो ये दोबारा भी रिपीट हो गया, सेक्सटेंट यूज़ टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एंगुलर डिस्टेंस को नापने में काम आता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। सीज्मियोग्राफ, तो सीज्मियोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने में काम आता है। तो रिएक्टर स्केल पे जो हम नापते हैं कि भाई 5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है, 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है, वो हम सीज्मियोग्राफ में नापते हैं, सीज्मोग्राफ में। तो रिएक्टर स्केल उसका नापने का एक यूनिट होता है, लेकिन रिएक्टर पैमाना होता है, लेकिन सीज्मियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितने रिएक्टर स्केल का भूकंप या अर्थक्वेक हमारे आसपास आया है। स्पेक्ट्रोस्कोप, तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस करने के लिए हमें ये काम आता है। स्पीडोमीटर तो आप जानते ही हैं, स्पीड के लिए काम आता है। ओडोमीटर जो है गाड़ी की किलोमीटर बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। स्पेरोमीटर, तो कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए हम स्पेरोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला है हमारे पास में स्पाइगोमोनोमीटर, तो ये जो है ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है। आप गए होंगे डॉक्टर के पास में, कभी ब्लड प्रेशर नापते हुए उसको देखा होगा, तो वो एक गुब्बारा सा दबाता रहता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइगोमोनोमीटर। तो मेजर्स ब्लड प्रेशर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप मार्क कर लीजिए। स्टेथोस्कोप यूज्ड फॉर हियरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द साउंड ऑफ हार्ट, तो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास में एक डॉक्टर की पहचान होती है, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। टेकोमीटर टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्पेशली रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट, तो RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, कितनी रिवोल्यूशन पर मिनट काट रहा है कोई भी शाफ्ट वगैरह, तो उसको हम टेकोमीटर से नाप सकते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मेजर द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं जैसा आप जानते हैं, अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट को हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बारीक करंट को नापता है, और DC करंट में हम जो है बहुत ही छोटे करंट के साथ में काम करते हैं, जो मोबाइल के अंदर जो है या फिर कंप्यूटर के अंदर बहुत ही छोटे 0.2 वोल्ट्स के करंट पास होते हैं, उनको गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। टेलीमीटर रिकॉर्ड फिजिकल हैपनिंग्स एट डिस्टेंस प्लेसेस, तो स्पेस वगैरह में हम जो फिजिकल हैपनिंग हो रही है उसको टेलीमीटर से नापते हैं। और टेलीस्कोप यूज मैग्नीफाइंग व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो तारे वगैरह को देखने के लिए जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो है मेजर टेम्परेचर करता है, जब भी हमको बुखार वगैरह या फीवर वगैरह आता है तो थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली रेगुलेट टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट पॉइंट, तो जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टेंट पॉइंट पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम है थर्मोस्टेट। टोनोमीटर मेजर द पिच ऑफ साउंड, टोनोमीटर जो है पिच ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए काम आता है। उसके बाद में आता है ट्रांसपोंडर टू रिसीव सिग्नल ट्रांसमिट रिप्लाई इमीडिएट सेटेलाइट, तो उसके बाद में है वेंटुरीमीटर मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, तो विस्कोसिटी जो होती है जो लिक्विड फ्लो करने वाली जो चीज़ होती है उसको नापने के लिए वेंटुरीमीटर काम आता है। वर्नियर, तो स्मॉल सब डिवीजन स्केल है वर्नियर कैलिपर जो हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको नापने में काम आता है। विस्कोमीटर तो मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी सेम चीज़। वोल्टमीटर तो यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट, तो दो पॉइंट के बीच में जैसे बैटरी कितने वोल्ट की है तो उसको हम वोल्टमीटर की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। वाटर मीटर टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर, वाटर मीटर में यूज़ करते हैं हम। वेव मीटर टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, तो उसके लिए हम वेव मीटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूसेज, तो इससे टॉपिक हमारे जो है हमको देखने को मिले हैं दोस्तों पिछले SSC CGL के जो शिफ्टें हुई हैं उनके अंदर। तो उम्मीद करते हैं हम इससे रिलेटेड जो है इन सब में से एक ने क्वेश्चन हमें या दो चार क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों SSC के काम करने का तरीका बिल्कुल एकदम ऐसा है कि वो कॉपी और पेस्ट करने वाला काम करती है, पिछले साल के क्वेश्चन उठा के इधर की साइड में पेस्ट कर देती है।
यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी जो है वो अपने नोटिफिकेशन जब निकालती 2016 से 2017 का, तो उसको भी चेंज नहीं करती, उसको भी वैसा का वैसे कॉपी करके निकाल देती है, कई बार डेट भी चेंज नहीं होती है। उसके बाद में फिर वो अलग से एक नोटिस निकालते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने डेट गलत लिख दी थी, अब इसको ये माना जाए। यहाँ तक कि सीपीओ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड आया उसमें ड्यूरेशन दी गई है कि 1.25 घंटे की ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन हमको सीजीएल 2016 के अंदर 1 घंटा 15 मिनट की दी गई थी वही उसमें छपा हुआ था, एडमिट कार्ड भी उनसे दोबारा नहीं बने। तो आप देख सकते हैं कि जब इतनी सारी शिफ्टों में एसएससी पेपर ले रहा है तो क्वेश्चन रिपीट ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन नए नहीं बना सकता और उसको क्वेश्चंस का लेवल एक जैसा ही रखना है। अगर वो एक जैसा नहीं रखेगी तो किसी शिफ्ट में ज़्यादा कम हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर है नहीं जैसे कि रेलवे और बैंकिंग के पेपर में होता है। तो इस वजह से जो है एसएससी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इस वजह से एसएससी कतई रिस्क नहीं लेगी कोर्ट केस वगैरह का। पहले एसएससी एक एग्ज़ाम एक एक साल में कंप्लीट करा पाती है तो बहुत स्लो है, तो इस सब की रिस्क लेगी नहीं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आप जो है इन सब क्वेश्चन और इन सब चीज़ों को पहले से ही पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो जो हमने आज का टॉपिक है हमारा, जो हमने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ये भी हमने कवर कर लिया है, उसके बाद में इन्वेंशन लिस्ट एंड इन्वेंटर्स लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। रजनीश और शुभांशु प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा आप। उसके बाद में लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल समिट्स और ये पढ़ेंगे, बुक्स एंड देयर ऑथर्स अवार्ड्स रिवर्स ऑफ इंडिया कंप्यूटर बेसिक्स। तो हमारे साथ बने रहिए, आज हम सारे वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप जल्द से जल्द इन वीडियो को देख सकें, और जो कल की शिफ्ट है 13 तारीख वाली संडे की और 14-15 आगे वाली शिफ्ट हैं 24 तारीख तक, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को देखने के बाद में 5 से 10 नंबर जो हैं आराम से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अपने SSC CGL के Tier 1 के अंदर, और इसके वजह से आपकी रैंक जो है बहुत ऊपर चली जाएगी। इन 2 नंबर से ही आपकी लाख लाख रैंक होती है, Tier 1 के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सबको ये पसंद आ रहे हैं वीडियो, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है ये वीडियोस बिना रुकावट सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे आगे वाले टॉपिक में लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल समिट्स और इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफ इंडिया। तो तब तक के लिए जय हिंद।